परी की नई जादुई सिलाई मशीन। रामपुर गांव में राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। राधा की एक बहन भी थी रूपा। राधा के पिता सोमनाथ की मृत्यु काफी पहले ही हो गई थी। राधा की माँ चंदा लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी। चंदा बहुत ही अच्छी दर्जी थी, वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक बार की बात है, चंदा के पास कुछ मनचली लड़कियां कपड़े सिलवाने आई। आंटी, मुझे एकदम मस्त आलिया भट्ट जैसा गाउन पहनना है, वैसा ही गाउन बना देना। ठीक है बिटिया, पर उसके 1000 रुपए लगेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे लेस और केन अलग से लाने पड़ेंगे। अरे आंटी, इतना ज्यादा? मैं इसके आपको 800 रुपए दूंगी। सिलना है तो सिलो, वरना मैं किसी और को दे दूंगी सिलने। वो रामू काका तो 800 रुपए ही लेते हैं, आप वापस दे दो। कोई बात नहीं बिटिया, मैंने तुम्हें बेटी कहा है तो तेरे लिए 800 में ही बढ़िया गाउन सिल दूंगी। ओके। इतना बोलकर चारू वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब चारू गाउन लेने आती है, चंदा ने गाउन खराब कर दिया। ये देखकर चारू उसे खूब सुनाती है। आंटी, ये आपने क्या किया? कितना खराब सिला है आपने। मैं तो आलिया जैसे बिल्कुल नहीं लग रही हूँ, और ना ही तुमने इसे अच्छा से सिला है। अच्छा तो सिला है बिटिया, अब तुम आलिया जैसी नहीं हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बकवास बंद करो अपनी। एक तो मेरी ड्रेस खराब कर दी, ऊपर से मुझे ही उल्टा बोल रही हो। मैं तुम्हें इसके कोई पैसे नहीं दूंगी। पर बिटिया, इसमें जो मेरे खर्चे लगे हैं वो तो दे दो, मजदूरी बेशक मत देना। कुछ नहीं मिलेगा, एक तो तुमने मेरी ड्रेस की ऐसी तैसी कर दी, और अब मैं तुम्हें पैसे भी दूं? कुछ नहीं मिलेगा, मैं जा रही हूँ। और चारू गुस्से से गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी चारू की फ्रेंड बोलती है, अरे चारू, आंटी ने तो इतना बढ़िया गाउन सिला है तेरा, फिर भी तूने उसे पैसे नहीं दिए, और बल्कि इतना सुनाकर भी आ गई। यही तो दिमाग है, तुम नहीं समझोगी। अब चलो जल्दी पार्टी में, लेट ना हो जाऊं। अच्छा समझ गई, तेरी मॉम ने जो तुझे पैसे दिए थे सिलाई के लिए, वो तो तूने पहले ही उड़ा दिए हैं, फिर अब कहाँ से पैसे देती। हाँ अब चल। इधर चंदा पैसे नहीं मिलने से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। अपनी माँ को यूं उदास देख राधा पूछती है, माँ आप इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ है? फिर चंदा राधा को सारी बात बताती है। फिर राधा बोलती है, माँ आप मुझे भी अपने साथ दुकान पर ले जाया करो, इससे आपके काम में आपकी मदद भी हो जाएगी और कोई आपसे यूं ठग कर नहीं जाएगा। ठीक है बेटी। और फिर राधा भी अपनी माँ के साथ दुकान पर जाने लगती है। कुछ दिन बाद चारू फिर आती है। आंटी, मेरे लिए इसका बढ़िया सा लहंगा बना देना, और हाँ इस बार ये खराब मत करना, वरना मैं इस बार भी कोई पैसे नहीं दूंगी। चारू ये बोल रही थी, तभी राधा अपनी माँ को बोलती है, अच्छा तो यही वो लड़की है जो बिन पैसों के आपसे कपड़े सिलवाती है। रुक जा लड़की, पहले 1000 रुपए निकाल, फिर ये लहंगा सिलवाना। What nonsense? क्या बदतमीजी है ये, और किस बात के 1000 रुपए? बड़ी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी, गाउन वाले पैसे कौन देगा? तेरे अप्पा की दुकान है जो आ जाती है मुँह उठाकर कपड़े सिलवाने, वो भी बिना पैसों के। ए लड़की, तमीज से बात कर, वरना अच्छा नहीं होगा, समझ गई? और हाँ आंटी, ये लहंगा मुझे परसों पहननी है, तो टाइम से सिल देना। और इस लड़की को क्यों रखा हुआ है आपने? हटाओ इसको, बहुत बदतमीज है। बदतमीज मैं हूँ या तू है? और हाँ, तू पहले 2000 रुपए दे, तभी तेरा लहंगा सिलेगा। 2000 कैसे, तू पागल है क्या? 1000 पहले का वो गाउन वाला, और दूसरा 1000 इस लहंगे का, समझी? राधा और चारू का इसी बात पर बहस हो जाता है। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि चारू गुस्से से उसकी माँ का सिलाई मशीन तोड़ देती है। ले, तू मेरे कपड़े नहीं सिलेगी तो अब से किसी के कपड़े सिलने लायक नहीं रहेगी, और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी? भगवान, एक ही तो सिलाई मशीन का सहारा था, अब वो भी नहीं रहा, इसलिए मैं तुझे दुकान में नहीं लेकर आती थी। पड़ गया अब तेरे कलेजे को ठंडक, ना पैसे आए ना कुछ, और
मशीन भी टूट गई। अब मैं नई सिलाई मशीन के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? सब तेरी वजह से हुआ है। भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई, अब कैसे घर चलेगा हमारा? राधा ये सब सुन दुखी मन से दुकान से निकलकर नदी किनारे बैठ जाती है। भगवान, मेरी क्या गलती है? पैसे ही तो मांगे थे मैंने, वो भी मेरे माँ के मेहनत के, और ये सब हो गया। गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान? अब मैं अपनी माँ को नई सिलाई मशीन कहाँ से ला कर दूँ? प्लीज भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ से सोनपरी जा रही थी। वो राधा को रोते देख उससे बोलती है, क्या हुआ राधा, इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? घबराओ नहीं, मैं सोनपरी हूँ, तुम मुझे अपनी बातें बता सकती हो। राधा फिर सोनपरी को सारी बातें बताती है। सोनपरी बोलती है, उदास मत हो राधा, सब सही होगा। तुम सब अच्छे और नेक लोग हो, और परियां हमेशा अच्छे लोगों की मदद करती है। ये लो, ये एक नई जादुई सिलाई मशीन है, इससे कपड़े खुद ही डिजाइन होकर सिल जाया करेगी। और हाँ, अब से जो कोई भी इससे सिले कपड़ों के पैसे नहीं देगा, ये इसकी खूब पिटाई भी करेगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ। क्या सच में? हाँ राधा। फिर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद परी जी। राधा सिलाई मशीन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और सारी बात बताती है। उसकी माँ नई सिलाई मशीन देखकर बहुत खुश होती है। नई सिलाई मशीन पर अब चंदा को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती थी। वो जैसे ही कपड़े काट कर उस पे रखती, वो खुद ही डिजाइन होकर सिलकर तैयार हो जाता। उससे सिले हुए कपड़े बहुत ही यूनिक और अच्छा होता। लोग अब चंदा को खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी देके जाते और सब चंदा से ही अपने कपड़े सिलवाते थे। धीरे धीरे जब ये बात चारू को पता चला, तब उसकी फ्रेंड बोलती है, चारू तुम्हें पता है, चंदा आंटी जैसा टेलर कोई नहीं है, क्या गजब के कपड़े सिलती है यार, मैं तो अपने सारे सूट और ड्रेस उनसे ही सिलवा रही हूँ। क्यों, ये कैसे हो सकता है? उस गरीब भिखारी के पास दोबारा सिलाई मशीन खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए? देखना तो पड़ेगा। फिर चारू अपने फ्रेंड बेबी के साथ चंदा की दुकान में जाती है। चारू जैसे ही दुकान पहुँचती है, सिलाई मशीन में से एक डंडा निकलकर चारू की खूब पिटाई करने लगता है। अरे रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कौन मार रहा है? हाय, ओए, ओए माँ, ओह, क्यों मार रहे हो मुझे? रुको, हाय, ओए, क्यों मार रहे हो? कोई तो बचाओ। चंदा के पैसे दे, वरना हम तुझे यूं ही पीटते रहेंगे। ठीक है, देती हूँ, मुझे माफ कर दो। ये लो आंटी आपके पैसे, और मुझे माफ कर दो आंटी, अब मैं किसी के भी पैसे नहीं मारूंगी, मुझे माफ कर दो। इतना बोलकर चारों वहाँ से चली जाती है, और फिर चंदा और राधा अपने सिलाई मशीन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, ना ही काम की और ना ही पैसों की। राधा भी सिलाई सीखकर अपने माँ के कामों में उनकी मदद करने लगी थी। गुलाबी आंखों वाली परी। बहुत पुरानी बात है, राजा कर्ण सिंह एक बहुत दानी राजा थे। उनके दानवीरता की हर तरफ प्रशंसा होती थी। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनको एक बात का सबसे बड़ा दुख था, वो था उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन किसी त्योहार का समय था और राजा के महल के सामने दान लेने वालों की बहुत लंबी कतार थी। दान देने का सारा सामान खत्म हो चुका था, लेकिन अंत में एक बुढ़िया जिसकी कमर झुकी हुई थी, जब उसकी बारी आई तब तक राजा के पास कोई सामान ना था। राजा ने जैसे उसको देखा, उन्होंने अपान बहुमूल्य हार निकालकर उसको दे दिया। वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और राजा को आशीर्वाद देते हुए चले गई। राजा जब अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी अचानक एक आम का फल नीचे गिरा। जैसे ही राजा ने उसे उठाना चाहा, कहीं से आवाज आई, राजा कर्ण सिंह, इस आम को अपनी रानी को खिला दे, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर राजा आगे पीछे घूमकर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई न था। तभी उनके बगीचे में एक बहुत खूबसूरत गुलाबी आंखों वाली परी खड़ी थी।
राजा ने उसे देखा और कहा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रही है? तब गुलाबी आंखों वाली परी ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं? पहचानूंगा कैसे, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। याद करे, कल जब आप दान दे रहे थे, उस कतार में सबसे अंत में आपने जिसको दान दिया था वो बूढ़ी औरत मैं ही तो थी। ये देखिए, आपने जो हार दिया था वो मेरे पास ही है। मैं आपकी दान वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके इतने वर्षों की तपस्या सफल हो गई। ये आम का फल आज शाम को रानी को खिला दीजिए और अगले 9 महीने बाद रानी एक पुत्र को जन्म देगी। आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन आपने अपने कर्मों से संतान सुख प्राप्त किया है जो आपको सिर्फ 21 साल की उम्र तक मिलेगा। उसके विवाह के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा कर्ण सिंह ने निराश होकर उस गुलाबी आंखों वाली परी से कहा, क्या कोई उपाय नहीं है इस मृत्यु को रोकने का? तब परी ने कहा, आप एक काम करिएगा, जब आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तब आप उनकी अंतिम क्रिया मत करिएगा, बल्कि उसको एक संदूक में रखकर 4 दही के मटकों के साथ किसी जंगल में छोड़ दीजिएगा। राजा ने उदास मन से कहा, ठीक है। इसके बाद राजा वापस आ गए और उन्होंने वो आम अपनी बीवी को खिला दिया। उसके ठीक 9 महीने बाद उनके घर संतान पैदा हुई। राजा के महल में खुशियां छा गई। बहुत से लोगों को बुलाया गया। दावत में गुलाबी आंखों वाली परी भी आई। बहुत बड़ा आयोजन किया गया। राजा ने भी दिल खोलकर दान दिया। राजकुमार का नाम युवराज रखा गया। युवराज धीरे धीरे बड़े होने लगे। समय बीतता चला गया। राजा और रानी वक्त के साथ परी की कही हुई बात भूल गए। जब राजकुमार 21 वर्ष का हुआ तब उसके विवाह के अनेक प्रस्ताव आने लगे और राजा ने एक सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी इंदु के साथ उसका विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के कुछ दिनों के बाद ही राजकुमार युवराज परलोक सिधार गए। महल में चारों तरफ हाहाकार मच गया। चारों तरफ मातम छा गया। जब राजकुमार को अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे तब राजा को अचानक गुलाबी परी की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा, राजकुमार को जलाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक संदूक मंगवाई और भारी मन से उसमें राजकुमार का मृत शरीर रखवा दिया। उसके साथ 4 दही के मटके भी रखवा दिए गए। राजा जंगल में गए और घने जंगलों के बीच संदूक को एक बड़े वृक्ष के नीचे रखवा दिया। वहाँ से लौटने के बाद उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। राजकुमारी इंदु अपने पिता के घर चले गई। राजा के महल में फिर से सोना पसर गया। इस बात को 1 साल बीत गए। एक दिन राजकुमारी इंदु अपने मायके में बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी आया और उसने राजकुमारी से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजकुमारी इंदु उसके लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही इंदु ने उसको भोजन की थाली दी, उसने अपनी बंद मुट्ठी इंदु के आगे कर दी। इंदु बिल्कुल चकित हो गई। उसने देखा कि उसके हाथ में उसके पति की सोने की चेन थी जो मरने के बाद उसके पति के गले में थी। उसने भिखारी से पूछा, बाबा सच सच बताओ, आपको ये चेन कहाँ से मिली? भिखारी घबरा गया और डर के मारे उठकर भागने लगा। इंदु ने उसको बहुत प्यार से हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, बाबा इस चेन के बारे में मुझे जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया आप मुझे बताएं। तब भिखारी बोला, एक बार मैं भटकते भटकते घने जंगल के बीच चला गया था, यह चेन वहीं एक संदूक के पास मिली थी। इंदु बिल्कुल हैरान हो गई और बोली, बाबा ये चेन मेरे पति की है और उस संदूक में मेरे पति का मृत शरीर था। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे उस जगह पर ले चलिए। अरे नहीं राजकुमारी, उस जंगल में बहुत भयानक राक्षस है, आप वहाँ नहीं जा सकती, वह आपको मार देगा। बाबा आपको मुझे वहाँ ले जाना ही होगा। भिखारी बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। राजकुमारी ने भिखारी के साथ जंगल की तरफ प्रस्थान किया। जब वो लोग जंगल में उस स्थान पर पहुँचने ही वाले थे तब भिखारी ने कहा, राजकुमारी अब मैं आगे नहीं जा सकता,
यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर ही एक बड़े पेड़ के नीचे में संदूक है। राजकुमारी आगे बढ़ गई। वो भागती जा रही थी, अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर कुछ राक्षस उछल कूद कर रहे थे। इंदु डर के मारे झाड़ी में छुप गई। रात हो गई थी, थोड़ी देर में सारे राक्षस चले गए। तब राजकुमारी संदूक के पास पहुंच गई। उसने देखा कि राजकुमार उस संदूक में सोया हुआ था। राजकुमारी उसको ठीक से देख भी नहीं पाई कि कहीं से उसे पायल की आवाज और घुंघरू की आवाज आने लगी। वो हड़बड़ाकर वहीं एक झाड़ी में छुप गई और उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वो सांस रोके बैठी हुई थी। चांदनी रात थी। अचानक उसने देखा कि वहाँ चार खूबसूरत परी आ गई। उनमें से एक परी की आंखें बिल्कुल गुलाबी थी। तभी गुलाबी आंखों वाली परी संदूक के पास आई और उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। उसके बाद उसने राजकुमार के सिर के पास रखी हुई एक लकड़ी उठाई और घूमकर उसके पैरों की तरफ आ गई। लकड़ी उसने राजकुमार के पैर के पास रख दी और पैर के पास रखी हुई लकड़ी उठा ली, उसको सिर के पास रख दिया। राजकुमार तुरंत खड़ा हो गया और संदूक से बाहर निकल आया और अपने साथ लाए हुए बहुत सारे फल मिठाइयां उसको खाने को दी। उसके बाद सबने मिलकर बहुत देर तक नाच गाना किया और लगभग 2 घंटों के बाद उन्होंने राजकुमार से कहा, अब तुम अपने संदूक में चले जाओ। गुलाबी आंखों वाली परी ने फिर युवराज के सर के तरफ वाली लकड़ी पैरों के पास और पैरों के पास वाली लकड़ी सर के पास रख दी। राजकुमार संदूक में सो गया। सभी परियां आसमान में उड़ गई। अंधेरा गहरा हो गया। राजकुमारी ये सब देखकर एकदम से स्तंभ हो गई। उसने जैसे तैसे रात काटी। जब सवेरा हुआ तो डरते डरते वो जंगल में निकल गई। वहाँ उसे झरना दिखाई दिया। वहाँ उसने अपना मुंह धोया और पानी पिया, फिर वहाँ पर झाड़ी में आकर बैठ गई। राजकुमारी 3 दिनों तक सिर्फ पानी पी कर झाड़ी में बैठी और सब तमाशा देखी। रोज रात को यही कार्यक्रम होता रहता। वो चुपचाप मुग्ध दर्शक बनके देखती रही। एक दिन जब सारी परियां चली गई, तब वो हिम्मत करके उठी और उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। राजकुमार के सिर के पास की लकड़ी को पैर के पास रख दिया और पैर के पास पड़ी लकड़ी को सर के पास रख दिया। राजकुमार उठकर बैठ गया और जब उसने अपनी पत्नी राजकुमारी इंदु को देखा तो अचानक खड़ा हो गया। राजकुमारी ने उसको सहारा देकर बाहर निकाला। राजकुमारी उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, आपको इस तरह के जीवन से कैसे मुक्ति मिलेगी? आप यहाँ से वापस चले। राजकुमार ने कहा, नहीं, अगर मैं चला जाऊंगा तो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर देगी, क्योंकि गुलाबी आंखों वाली परी के वरदान से ही मुझे जीवन मिला था और मेरा जीवन इतना ही था। तुम वापस घर चली जाओ। मेरी संदूक में घड़े में दही रखा हुआ है। उस दही को लेकर तुम मेरे माता पिता के महल चली जाओ। वहाँ तुम अपना वेश बदल कर जाना ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए, और उसी महल में रहना। कुछ समय बाद ही तुम्हारे कोख में मेरे बेटे का जन्म होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। लेकिन इससे पहले तुम मुझे फिर से संदूक में जैसा था वैसा ही कर दो। राजकुमारी ने राजकुमार की सलाह मानकर वैसा ही किया। दही का घड़ा लेकर जंगल में भटकते भटकते अपने सास ससुर के महल में पहुंच गई। उसने मुख पर घूंघर डाला हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो महल के फाटक पर जैसे ही पहुंची, उसने रानी को संदेश भिजवाया कि वो बहुत तकलीफ में है, उसे रहने की जगह चाहिए। रानी से उसकी तकलीफ देखी ना गई और उन्होंने रहने के लिए महल के पीछे कमरा दे दिया। जब रानी को ये पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तब रानी ने उसके खाने पीने का और उसके देखभाल करने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। राजकुमारी इंदु ने कुछ महीनों के बाद एक बेटे को जन्म दिया। रानी को जब ये पता चला, तब रानी ने उसके खाने पीने और रहने की व्यवस्था और बढ़ा दी। एक दिन रात को जब सभी सो रहे थे, तब इंदु की खिड़की का दरवाजा खटका। उसने जब खिड़की खोली तो सामने राजकुमार युवराज खड़ा था। वो अपनी पत्नी से मिलने और अपने बेटे को देखने आया था। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। रानी ने एक दिन किसी के बात करने की सुख बुगाहट सुनी। वो खिड़की के पास आ गई। तब उसने अपने बेटे को पहचान लिया और उसने उसको पकड़ लिया।
रानी ने कहा, बेटा मेरा बेटा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तुम यहीं रहो। हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारी पत्नी है और ये तुम्हारा बेटा है। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, राजकुमार ने कहा। नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता। इसका एक ही उपाय है, तुम इस बच्चे के होने का एक भव्य आयोजन करो और उन परियों को निमंत्रित करो। जब सभी परियां आएगी तब किसी तरह गुलाबी परी के बाहों में बंधा हुआ बाजूबंद ले लेना। उस बाजूबंद को अग्नि के हवाले कर देना और गुलाबी आंखों वाली परी से मेरे प्राणों की भीख मांग लेना। शायद उसका दिल पिघल जाए और मैं वापस आ जाऊं। रानी ने डबडबाई आंखों से राजकुमार को विदा किया। दूसरे दिन ही पूरे महल में जोर शोर से बच्चे के पैदा होने का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। उस जश्न में उन परियों को भी निमंत्रित किया गया। रात को सभी परियां आई, नाच गाना शुरू हो गया। सभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। गुलाबी आंखों वाली परी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया तो बच्चा चुप हो गया। रानी ने कहा, लगता है इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है, तभी तो इतनी देर से रो रहा था और आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। आप थोड़ी देर के लिए इसे अपना बाजूबंद दे सकती हैं? गुलाबी आंखों वाली परी कुछ नहीं बोली। उसने वो बाजूबंद उतारा और बच्चे के पास रख दिया। रानी तो इसी मौके की तलाश में ही थी। उसने वो बाजूबंद उठाया और सबकी आंखों से बचाकर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। गुलाबी आंखों वाली परी ने कहा, आपने ये क्या किया? अब हम राजकुमार को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। तब रानी उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, गुलाबी आंखों वाली परी, आपके वरदान से ही राजकुमार हमारे पास आया था और आज आपसे हम इस राजकुमार के प्राण की भीख मांगते हैं। गुलाबी आंखों वाली परी ने रानी को तथास्तु कहा। गुलाबी आंखों वाली परी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और राजकुमार को भी गले लगाकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो परियां वहां से चले गई। राजकुमार वापस अपने महल में आ गया और अपने परिवार में आकर वो बहुत खुश हुआ। शादी का सुनहरा लहंगा। मोतीपुर गांव में संध्या और मुस्कान नाम की दो सहेलियां रहती थी। मुस्कान दिखने में बहुत ही सुंदर थी, वहीं संध्या सावली थी। दोनों बचपन से एक ही साथ पले बढ़े थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। हर कोई उन दोनों की दोस्ती का मिसाल दिया करते थे। आज संध्या बहुत उदास थी। मुस्कान, अगले महीने तो तेरी शादी हो जाएगी, फिर तो तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, मेरे माँ बाबा की तरह। संध्या, हम दोस्त हैं, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। मैं तुमसे मिलने अक्सर आते रहूँगी। आखिर कल को तेरी भी तो शादी हो जाएगी, फिर तू भी अपने घर चली जाएगी। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे पगली, तो चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आते रहूंगी। विजय जी की पोस्टिंग पास के गांव में ही है। पक्का? हाँ बाबा पक्का। देखते ही देखते मुस्कान की शादी का दिन भी आ जाता है। संध्या अपनी सौतेली माँ के साथ शादी में पहुँचती है और एक मामूली सा फूलों का गुलदस्ता लेकर बोलती है, शादी की बहुत बहुत बधाई मेरी बहन, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे संध्या, कितनी कमजोर हो गई है तू, ठीक से खाना वाना नहीं खाती क्या? पता नहीं क्यों मुस्कान, आजकल खाना शरीर को लग ही नहीं रहा। अच्छा, तुम अपना और जीजा जी का अच्छे से ख्याल रखना, तुम भी अपना ख्याल रखना। इतने में उधर से संध्या की सौतेली माँ आ जाती है और बोलती है, संध्या अब घर चल, बहुत टाइम हो गया। माँ देखो मेरी सहेली की कितनी अच्छी जोड़ी है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। मुस्कान भी तो सुंदर है, तभी तो इतना अच्छा लड़का मिला है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना काली कलूटी है। अच्छा लड़का पाने के लिए अच्छी सूरत होनी भी जरूरी है। चाची, मेरी संध्या के चेहरे में क्या बुराई है जो आप उसे इतना सुना रही है? संध्या भी बहुत सुंदर है, बस उसे अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और साथ में आप लोगों के प्यार की जरूरत है। तू तो इसी की साइड लेगी ना, तेरी फ्रेंड जो है। वैसे एक बात कहूँ, कितना भी फेयर लवली लगाने से कौआ कभी हंस नहीं हो जाता। इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, चंदन हल्दी सबका लेप लगवाया। मजाल है ये कल मुँह ही सुंदर हो जाए। आंटी जी, आखिर आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? आखिर ये आपकी बेटी है। संध्या, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम किसी से कम नहीं हो। एक सप्ताह के बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर मुस्कान ससुराल चली जाती है। मुस्कान दिल की बहुत अच्छी थी,
आते ही उसने ससुराल में सबका दिल जीत लिया। विनय भी मुस्कान को बहुत प्यार करता है। मुस्कान, उस दिन हमारी शादी में वो तुम्हारी फ्रेंड थी ना, जिसकी माँ ने उसे भला बुरा कहा था। मुस्कान, मुझे बहुत बुरा लगा था। अपने बच्चों के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। आखिर संध्या उसकी सौतेली बेटी है। मुझे भी उनकी बातों से लग ही रहा था। भला कोई अपनी सगी बेटी से इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती है। बेचारी संध्या गरीबी और सौतेली माँ की अत्याचारी की सताई हुई है। आप ठीक कह रहे हैं जी, हमें उसका साथ देना चाहिए। उसे हमारी जरूरत है। उसके चेहरे पर काफी दाग है और शरीर की भी साफ सफाई की थोड़ी जरूरत है। हम कल ही उसके घर जाकर उसे समझाते हैं। ठीक है मुस्कान, हम कल चलेंगे। अगले दिन मुस्कान और विनय संध्या के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर पहुंचते हैं। बाहर से संध्या की सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। क्यों रे कलमोही, तेरे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। ये कैसे झाड़ू लगाई है तुमने, और ये कपड़े अभी तक धोए क्यों नहीं तुमने? अभी करती हूँ माँ, हाथ मुँह धो लूँ? बार बार मुँह धोने से कोई तो गोरी नहीं हो जाएगी। बाद में धो लियो, जल्दी काम खत्म कर पहले। तभी द्वार पर घंटी बजती है। आइए आइए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बैठिए। चाची, ये मिठाई आपके लिए और ये जादुई सुनहरा लहंगा मेरी फ्रेंड संध्या के लिए। अरे वाह, मेरे लिए लहंगा? बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले अपने शक्ल तो देख। तुझे लहंगा क्या, कुछ भी पहना दो फिर भी काली की काली ही रहेगी। चाची आप फिर शुरू हो गई। चाची अब तो संध्या की भी शादी होने वाली है। भगवान करे मेरी फ्रेंड को अच्छा लड़का मिले और अच्छे घर में इसकी शादी हो, इसके जिंदगी में भी खुशियाँ आए। शादी कौन करेगा इससे शादी? लड़के वाले तो इसका काला खोपड़ा देखकर ही भाग जाते हैं। इस बार देखना चाची, लड़के वाले कैसे एक पैर पर दौड़ते हुए आते हैं। हाँ संध्या, अब तुम चिंता मत करो, जाओ और ये लहंगा पहनकर आओ। संध्या लहंगा लेकर खुशी खुशी पहनने चली जाती है। कुछ ही देर में संध्या लहंगा पहनकर बाहर आती है। सभी संध्या को देखकर चौंक जाते हैं। उसकी माँ तो हैरान रह जाती है। चाची देखो मेरी सहेली को, अनुपम सुंदरी लग रही है। संध्या तुम सुंदर परी बन गई हो। अरे ये सब कैसे हो गया, ये संध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई? आखिर ऐसा क्या लगा लिया चेहरे पर? मुस्कान तुमने इसके चेहरे पर क्या लगाया? चाची अब बताओ मेरी सहेली को लड़के वाले पसंद करेंगे या नहीं? अरे अब तो लड़के वाले देखते ही संध्या को पसंद कर लेंगे और बैंड बाजा लेकर आ जाएंगे। चाची अब तो इसे गले से लगा लो। चाची संध्या को गले से लगा लेती है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन शादी में तो दहेज भी देना होगा। आखिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? चाची दहेज की चिंता आप मत करिए, आप बस हाँ कर दीजिए, ईश्वर की कृपा से सब हो जाएगा। एक दिन मुस्कान के मामा का लड़का सुनील पूरे परिवार के साथ संध्या के घर आते हैं और संध्या को देखते ही सभी लोग शादी के लिए हंसते हंसते तुरंत हाँ कर देते हैं। मुस्कान के मामा का लड़का सुनील इंजीनियर होता है। वो संध्या को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। संध्या जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास हूँ, आपको पाकर मैं टॉप क्लास हो जाऊंगा। आपको तो मैं पसंद हूँ ना? संध्या मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। संध्या की सुंदरता और अंदाज सुनील का दिल जीत लेती है और फिर बड़े ही धूमधाम से संध्या और सुनील की शादी हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रौनकपुर गांव में हेमा अपने माँ बाबा के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। हेमा के पिताजी एक किसान थे। हेमा की माँ कुंती घर पर रहकर ही हेमा की देखभाल किया करती थी। एक बार हेमा के माता पिता शहर किसी काम से जा रहे थे। हेमा बेटा, हम खेती के कुछ जरूरी काम से पास के शहर लेखपाल के पास जा रहे हैं। शाम होते ही घर वापस आ जाएंगी। मैंने खाना बना दिया है, तुम भरपेट खाना खाकर सो जाना। हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप दोनों मेरी चिंता किए बगैर अच्छे से अपने सारे काम कर लेना। माँ मेरे लिए शहर से एक गुड़िया लेकर जरूर आना, मुझे गुड़िया बहुत पसंद है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया वाला गुड़िया लेकर आऊंगी।
इतना कहकर कुंती और रामू दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ घर पर अकेले बैठे बैठे हेमा का मन नहीं लगता और वो बहुत उदास हो जाती है। हेमा की नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर टिकी रहती है। शाम हो जाती है परंतु हेमा के माँ बाबा घर लौटकर वापस नहीं आते। तभी हेमा को याद आता है कि माँ ने कहा था कि घर आने में थोड़ा लेट हो सकता है, तुम खाना खाकर सो जाना। हेमा अपनी माँ की बातें याद कर चुपचाप अपने कमरे में सो जाती है। सुबह होते ही हेमा अपने माँ बाबा को देखने लगती है। माँ बाबा अब कहाँ है, मैं उठ गई हूँ, मेरी गुड़िया लाइए। पूरे घर घूमने के बाद भी हेमा को अपने माँ बाबा नहीं दिखते। हेमा घर से बाहर निकलकर तेज तेज रोने लगती है। माँ बाबा आप कहाँ चले गए, घर लौट आइए ना, अकेले मेरा मन नहीं लगता है इस घर में। माँ आप कहाँ हैं? हेमा को इस तरह रोता देख सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। हेमा बेटा क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रही हो, हमें बताओ, हम गांव वाले तुम्हारी मदद करेंगे। तभी हेमा सारी बात गांव वालों को बता देती है। हेमा बिटिया तुम चिंता मत करो, हम आज ही तुम्हारे माँ बाबा को ढूंढने शहर निकल जाते हैं। तब तक तुम शांत रहो, जरूर उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वो रात भर वहीं रुक गए। तभी गांव के दो बंदे हेमा के माता पिता को ढूंढने शहर निकल जाते हैं। वे शहर में सभी जगह पता करते हैं। तभी एक दुकानदार उन्हें बताता है कि कल रात एक पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह लीजिए, यह कुछ जमीन के कागजात उनके हाथों में थे जो मैंने संभाल कर रख रखे हैं। अब आप ही यह कागज ले जा सकते हो। ये दुखद समाचार सुनकर वे दोनों उदास हो जाते हैं। वे दोनों जाकर सारी बातें हेमा को समझाते हैं कि अब उसके माँ बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा मत कहिए चाचा जी, आप मेरे चाचा समान है, आपकी मुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जरूर माँ बाबा को कुछ काम आ गया होगा, इसलिए अभी आई नहीं है, कृपया आप शुभ शुभ बोले। हेमा बेटा हमारी बात का विश्वास करो, यह देखो यह कागजात तुम्हारे पिताजी के नाम से है ना, जो कि उनके हाथों में थे और उन्होंने अपनी सारी जमीन और घर तुम्हारे नाम कर दी है। ये सब सुनकर गांव की एक चालाक औरत मालती बोल पड़ती है। हेमा बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, आज से तुम्हारा खाना पीना नहाना सब मेरी जिम्मेदारी है, आखिर कुंती मेरी बहन जैसी ही थी। गांव वालों के सामने हमदर्दी जताकर मालती हेमा को गोद ले लेती है। उसकी ममता देखकर सभी गांव वाले भी राजी हो जाते हैं। परंतु मालती के दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि वो किस तरह हेमा की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर ले। मालती हेमा को अपने घर ले जाती है। हेमा बेटा तुम कितनी प्यारी हो, इससे मिलो, ये तुम्हारी बहन है काजल, और आज से तुम मुझे मौसी कहकर बुलाना। काजल अभी 7 साल की ही थी। मालती हेमा और काजल दोनों को ही एक जैसा प्यार देती थी, परंतु ये नाटक बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। कुछ सालों में ही मालती ने हेमा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हेमा के माँ बाबा की मृत्यु के बाद ही मालती ने हेमा का स्कूल छुड़वा दिया था ताकि वो पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा की जमीन जायदाद ना ले ले। फिर एक दिन मालती हेमा से कहती है, अरे ओ हेमा की बच्ची चल मेरे साथ घर के कुछ काम में हाथ बटवा दे, बहुत दिन हो गए हैं तुझे बैठे बैठे खाते हुए। जी मौसी जी। मालती हेमा को किचन में ले जाकर उसे बर्तन धुलवाती है। ऐसे ही धीरे धीरे मालती हेमा को घर के सारे काम सिखा देती है और अब खुद बैठे बैठे आराम से खाती है और पूरे दिन बेचारी हेमा को ताने देती रहती है। आंखें फूट गई है क्या तेरी, कैसे झाड़ू लगाती है, ये देख कितनी मिट्टी है फर्श पर, चल फिर से पूरे घर में झाड़ू पोछा कर। हेमा मालती के डर से फिर से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा देती है। मालती हेमा पर इतना अत्याचार करती है ताकि वो तंग आकर उसका घर छोड़ दे और वो आराम से हेमा की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा कर ले। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और अब हेमा बड़ी हो गई थी, ये उसका 18वां जन्मदिन था।
आज हेमा कानूनी रूप से अपने माँ बाबा की जायदाद की कानूनी वारिस बन गई थी और अब वे जमीन किसी के भी नाम कर सकती थी। परंतु हेमा ये सब कहाँ जानती थी। मालती ने हेमा को पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर जो रखा था कि तभी मालती आती है और कहती है, हेमा बेटा, आज तुम्हारी मौसी जी ने तुम्हारे 18वें जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये ब्रांडेड लहंगा लाई हूँ, इसे पहनकर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। मौसी जी, इसकी क्या जरूरत थी, आज तक तो मेरा कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ। हमारे घर में तो हर बार काजल का ही बर्थडे मनाया जाता है, फिर इस बार मेरा बर्थडे क्यों मना रही हैं आप। ऐसी बात नहीं है हेमा, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपनी बेटी काजल से करती हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे जरा अंगूठे के निशान चाहिए थे, वो अब तुम बड़ी हो गई हो तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा भी एडमिशन मैं अपनी बेटी काजल के कॉलेज में करा देती हूँ। हेमा ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बताइए मौसी जी, कहाँ अंगूठा लगाना है, मैं अभी लगा देती हूँ। और इस तरह बड़ी ही चालाकी से मालती हेमा की पूरी जायदाद अपने नाम कर लेती है। शाम हो जाती है और हेमा तैयार होकर मालती से कहती है, देखिए ना मौसी, मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे इतना सुंदर लहंगा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मनहूस लड़की, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया, जल्दी बता कहाँ से लाई है इतना सुंदर लहंगा। परंतु मौसी जी, सुबह हुई तो आपने मुझे ये लहंगा गिफ्ट किया था और आप कह रही थी कि आप मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हो। झूठी, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो सुबह से तेरी शक्ल तक नहीं देखी। आज तक तेरा बर्थडे मनाया गया है जो आज मनाया जाएगा। बर्थडे तो सिर्फ मेरी बेटी काजल का मनाया जाता है इस घर में। इतने सालों से मेरे घर में रह रही है और मुझे झूठी बता रही है, क्या मैं तुझे झूठ बोलने वाली लग रही हूँ। नहीं माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या कहना चाहती है तू, ये लहंगा मैंने तो नहीं दिया तुझे, जरूर तू ये लहंगा चुराई हुए पैसों से खरीद कर लाई है। निकल जा मेरे घर से चोर कहीं की, जिस थाली में खाती है उसे थाली में छेद करती है, अभी निकल मेरे घर से कल मुँह ही। इतना भला बुरा कहकर मालती हेमा पर चोरी का नाम लगाकर उसे घर से निकाल देती है। हेमा उदास होकर एक जंगल में चली जाती है और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पहले माँ बाबा मुझे अकेला छोड़कर चले गए और अब मौसी जी ने भी मेरे ऊपर चोरी का नाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ और मैं मरना चाहती हूँ, मुझे अब और जिंदा नहीं रहना है, मैं स्वर्ग में जाकर अपने माता पिता के साथ रहूँगी। हेमा ये सब सोचकर मरने के लिए एक नदी के पार जाती है। हेमा तैरना नहीं जानती थी, वो नदी में डूबने चली जाती है। हेमा पूरी तरह नदी में डूब जाती है कि तभी एक जलपरी हेमा को बचा लेती है। जलपरी हेमा को नदी से बाहर लेकर आती है। थोड़ी देर बाद हेमा को होश आ जाता है तो वो देखती है कि एक जलपरी उसके पास बैठी है। आप कौन हैं और मैं जीवित कैसे बच गई? मैं तो मरना चाहती हूँ, मुझे नदी की ओर जाने दो। परंतु हेमा बेटी, तुम मरना क्यों चाहती हो, अभी तो तुम बहुत छोटी हो और प्यारी भी। तभी हेमा सारी कहानी जलपरी को सुनाती है। ये सब सुनने के बाद जलपरी कहती है, हेमा तुम इतनी जल्दी हार मान गई, तुम्हें जीवित रहकर अपने माँ बाबा का नाम रोशन करना है। हमेशा याद रखो, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए परंतु हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा मुश्किलों को पार करके सफलता की ओर देखना चाहिए। जलपरी हेमा की मदद करते हुए हेमा को एक उड़ने वाला केक का घर गिफ्ट करती है। ये लो हेमा, तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, ये एक जादुई उड़ने वाला केक का घर है। इस घर में तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें अपने आप मिल जाएंगी, यहाँ तुम्हें परेशान करने वाला भी कोई नहीं होगा, तुम अपना जीवन बड़े आराम से बिता सकती हो। फिर हेमा वो जादुई केक का घर देखकर खुश हो जाती है और हेमा जलपरी का धन्यवाद देकर जादुई केक के घर में चली जाती है। हेमा देखती है कि केक के घर में सोने और चांदी का ढेर लगा हुआ है। वाह,
इतना सारा सोना चांदी? हाँ हेमा बेटा, यह सब तुम्हारे लिए है। तुम इसमें से कितने भी सोने के सिक्के ले जा सकती हो और जो भी तुम मुझसे मांगोगी मैं चुटकियों में तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। तुम मुझे अपने साथ कहीं भी ले जा सकती हो, मेरे पास उड़ने की जादुई शक्तियाँ है। अच्छा तो मुझे मेरे गांव वापस ले चलो। हेमा उस जादुई केक के घर में पूरी रात रुकती है। जादुई केक का घर उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देता है। सुबह होते ही सभी गांव वालों को उस केक के घर के बारे में पता चल जाता है। फिर सभी हेमा के पास केक का घर देखकर हैरान रह जाते हैं। हेमा बहुत दयालु स्वभाव की थी। वो अपने जादुई सिक्कों के भंडार में से थोड़े से सिक्के गांव वालों के लिए केक के घर से बाहर फेंक देती थी। गांव वाले उन सिक्कों को उठाकर हेमा को बहुत दुआएं दिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात मालती को पता चलती है तो वो जादुई केक का घर देखने चली जाती है। इतना विशाल जादुई केक का घर और हेमा को इतना अमीर देखकर मालती को जलन होने लगती है और वो मन ही मन जादुई केक के घर पर कब्जा करने की सोचती है। मैं इस हेमा को मारकर इसका ये जादुई केक का घर अपने कब्जे में कर लूंगी और दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। इतना सोचकर मालती रात होने का इंतजार करती है। रात होते ही मालती जादुई केक के घर में घुस जाती है। मालती अपनी तलवार निकालकर हेमा पर हमला कर रही होती है कि तभी केक के घर से आवाज आती है। दुष्ट औरत, तूने हेमा की पूरी जायदाद पर अपना कब्जा करने के बाद भी तेरे मन का लालच खत्म नहीं हुआ? जो तू हेमा को मारने चली आई, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। केक के घर के इतना कहते ही एक बिजली मालती पर गिरती है और मालती की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इस तरह मालती को उसके किए की सजा मिल जाती है और हेमा दूसरों की मदद करते हुए अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय। नदी में जादुई आम का पेड़। बनारस शहर के छोटे से गांव में महक नाम की एक लड़की रहती थी। आम का सीजन चल रहा था तो महक की माँ महक को आम लेकर खाने को देती है। महक आम को लेकर अपने घर के बाहर खा रही होती है तभी मंजू वहाँ आ जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। महक, तुम ये आम कहाँ से लाई हो? बहुत अच्छे आम है, लाल लाल। इसको देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मुझे भी एक आम दे दो ना खाने के लिए। ना बाबा ना, मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। ये आम मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दूर से लेके आई है और ये आम कोई ऐसा वैसा आम नहीं है, ये बनारस का सबसे फेमस आम है। तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता इसके बारे में, जाओ यहाँ से। प्लीज यार महक, दे दो ना थोड़ा, आम खाने का बहुत ही मन कर रहा है। हद है, जब मैंने तुम्हें मना कर दिया फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये आम बहुत महंगे हैं और ऐसे महंगे आम को खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, समझी? अच्छा, मुझे एक टुकड़ा ही दे दो प्लीज। नो नो नो, बस तुम देखकर ही तसल्ली करो, खाने को तो मिलेगा नहीं तुम्हें। महक प्लीज यार, टुकड़ा ना सही, गुठली ही दे दो प्लीज। मंजू के लाख मिन्नत करने पर भी महक उसे आम नहीं देती है और गुठली भी दूर नाली में फेंक देती है और मंजू को डांटकर भगा देती है। मंजू घर जाकर उदास सो जाती है। मंजू को यूं उदास देखकर उसकी माँ पूछती है, मंजू बेटा इतनी उदास क्यों हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी फ्रेंड है ना महक, वो आम खा रही थी, मैंने मांगा तो मुझे नहीं दी और डांट कर भगा दी और तो और गुठली भी दूर फेंक दी माँ। मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की आम खाने की ये लालसा को देख उसकी माँ बोलती है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया रानी उदास है, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें आम खिलाकर लाती हूँ। उसकी माँ मंजू को नाव में बिठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ,
मैंने तो आम मांगा था और तुम मुझे नदी में ले आई। अच्छा, अब समझ गई। हम सुबह से शाम तक नदी में मछली पकड़ेंगे और फिर उसे बाजार में बेचकर आम खरीदेंगे, है ना माँ? नहीं मेरी बेटी, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी। इस नदी में एक जादुई पेड़ है, अगर तेरी किस्मत हुई तो आज वो पेड़ हमें जरूर दिखेगी। नदी के बीचों बीच पहुँचने पर मंजू को पके पके मीठे आमों से लदे एक पेड़ दिखाई देता है। माँ, ओहो, ये कितने सारे आम हैं। माँ, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है। मैं तो इसके सारे आम तोड़ लूंगी और घर ले जाऊंगी। मैंने कहा था ना, ये जादुई आम का पेड़ है, इसमें से हम सिर्फ एक ही आम तोड़ सकते हैं। पर क्यों माँ, इसमें तो इतने सारे आम हैं, फिर एक आम क्यों? हम इसे सारे आम तोड़ लेंगे और गांव ले जाकर इसे बेचकर खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। नहीं बेटी, लालच में मत पड़ो, बस एक आम तोड़ लो। अब जल्दी, मैं यहीं बैठी रहूं, धूप भी तेज है और उसकी माँ वहीं सो जाती है। लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है, इस जादुई पेड़ से बस एक आम तोड़ने को बोल रही है। इसमें तो इतने सारे आम हैं, जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं तो बहुत सारे आम ही तोड़ूंगी, चाहे जो हो, एक से क्या होगा। इतना बोलकर मंजू पेड़ से सारे आम तोड़कर नाव में भर लेती है। आम का भार नाव सह नहीं पाया और वो अचानक डूबने लगता है। ये देखकर मंजू डर गई और अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ उठो, माँ उठो, माँ ये देखो हमारी नाव डूब रही है। नाव को आम से भरा देख उसकी माँ बोली, ये क्या की बेटी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, बस एक आम तोड़ने को कहा था, अब देखो तुम्हारी लालच के वजह से हम अब डूब रहे हैं। कुछ तो करो माँ, वरना हम डूब जाएंगे। मंजू, मेरे तो हाथ पाँव भी नहीं काम कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद करो। प्लीज हमारी कोई मदद करो, बचा लो हमें, हे भगवान बचा लो। तभी उनके रोने की आवाज सुनकर हेलेनी डायन आती है और उससे उसके रोने का कारण पूछती है। फिर मंजू की माँ सारी बातें उस डायन को बताती है और मदद करने की गुजारिश करती है। डायन को उस पे दया आ जाती है और वो बोलती है, मैं तुम लोगों की मदद तो कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मुझे पानी में बहुत भूख लगती है, अगर मैं पानी में आई तो तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ खाने को देना होगा, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। हाँ हमें मंजूर है, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना आम खिला सकती हूँ। मैं यहाँ से एक एक आम फेंकती जाऊंगी और तुम खाते रहना। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नाव को किनारे पहुँचा दूंगी, बस खाने को देती रहना। फिर डायन नाव को अपने पीठ पर उठा लेती है और तैरने लगती है। मंजू ऊपर से एक एक करके डायन के मुंह में आम फेंकती रहती है और डायन दोनों को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है। लेकिन किनारे तक पहुँचते पहुँचते नाव में रखा सारा आम खत्म हो जाता है, बस लास्ट का एक आम ही बचता है। थैंक यू डायन जी, आज आप न होते तो शायद हमारी जान नहीं बचती। मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी, ना मैं लालच करती और ना ही नाव डूबता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम चिंता मत करो मंजू, इस एक आम में तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है, अब तुम जाओ। घर जाकर मंजू ने जैसे ही आम काटा वैसे ही आम में से सोना चांदी ढेरों रुपए और आम के ढेर लग जाती है। माँ ये क्या, इस आम से तो ढेरों सोना चांदी रुपए और तो और आमों की भी ढेर लग गई। अरे वाह माँ, ये सब उस जादुई पेड़ का कमाल है बेटी। अच्छा मंजू, ये बताओ अब इतने सारे सोने चांदी और आमों का करोगी क्या? अच्छा माँ, मैं अब समझ गई हूँ, लालच नहीं करनी चाहिए। अगर मैं लालच करूँगी तो मेरे पास जो कुछ भी है वो नहीं बचेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं इन सब चीजों को गरीबों में बांटूंगी और सबकी मदद करूंगी। शाबाश मेरी बेटी। इस तरह मंजू ने सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाया और फिर गांव में जरूरतमंद लोगों की भी मदद की और फिर उस आम को भी पूरे गांव में बांटा।